नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि टोटल तो 12 है, लेकिन 12 का 12 डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में 12 लेक्चर 12 के 12 प्रिंसिपल आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में आ रहा है। उस टॉपिक पर मैं इस वीडियो को ने बनाया आप लोगों के लिए। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास का सिद्धांत। और विकास के सिद्धांत के अंदर एक जो इंफॉर्मेशन है वो हम जानते हैं। पहले एक है सफेलो कॉडल, सफेलो कॉडल सीक्वेंस। ये एक डेवलपमेंट होता है, किसके अंदर आता है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है। दो चीज़ आती है, एक सफेलो कॉडल आता है, एक प्रॉक्सिमल आता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आता है। तो सफेलो कॉडल को बोलते हैं स्रोत पदोमुखी। स्रोत पदोमुखी क्या है, पहले ये पढ़ते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। मीन्स डेट डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। कहने का मतलब यह है कि जो आपका विकास होता है किसी बालक या बच्चे में, तो सब इसके अनुसार स्रोत सफेलो कॉडल के अनुसार या स्रोत पदोमुखी के अनुसार बच्चे में क्या होता है, सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर वो जो और अगला जो विकास होता है मस्तिष्क से लेकर नीचे की ओर विकास बच्चे का बढ़ता है। ठीक है, इंडिविजुअल बिगेंस टू ग्रो फ्रॉम हेड रीजन देन गोज टू डाउन। सबसे पहले उसका मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके नीचे लोअर पोर्शन का विकास होता है। अगर तो इस टाइप का कोई अगर आपके टेट या सीटेट या सुपर टेट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन बन के आता है कि बच्चे का पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके अन्य बॉडी का विकास होता है, तो वह किस प्रकार का विकास है? तो वह है स्रोत पदोमुखी, इंग्लिश में बोलेंगे सफेलो कॉडल, सफेलो कॉडल सीक्वेंस। और यह किसके अंदर आता है? ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है। आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो। और ऐसे शॉर्ट में क्या रखना, हेड टू टो, मतलब सर से लेकर पैर तक ये विकास जाता है। पहले सर का होता है, फिर हमारा पैर का। सर होगा, गर्दन होगी, चेस्ट होगा, पेट होगा, फिर लोअर पार्ट, फिर पैरों का विकास होगा। तो ये किसके अंदर आएगा? ये आपका सफेलो कॉडल के अंदर आएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रॉक्सिमल के बारे में दोस्तों। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं अपना जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो दिशा के सिद्धांत में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आपका है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? समीपस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरल्स। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो आपके क्या आपके जो आपका जो क्या यहाँ पे जो वर्ड बोला गया है सेंट्रल पार्ट, आपके जो बीच का जो पार्ट होता है सेंट्रल का पार्ट, वहाँ से डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर धीमे धीमे पेरिफेरल्स की तरफ बढ़ता है। मतलब सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बाहरी अंगों का डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। फिर इन दिस सीक्वेंस द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप फर्स्ट देन आउटर कंट्रोल इज गेन्ड। एग्जाम्पल, बेबी कट देयर फ्रंट टीथ बिफोर दे कट देयर साइड वंस। कहने मतलब यह है, आपने देखा होगा इसमें क्या है कि जब किसी का डेवलपमेंट या विकास हो रहा था तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी बने के जब बनती है तो साथ के साथ हमारे नीचे पैरों का विकास होता है, ऊपर वाले पोर्शन का विकास होता है। तो यह किस तरह का विकास देखा जाएगा, तो यह विकास होगा समीपस्थ दूरस्थ विकास, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास सीक्वेंस बोलते हैं। तो आप याद रखना जो ये आपका है जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक सफेलो कॉडल होता है, एक प्रॉक्सी मोडिस्टल होता है। सफेलो कॉडल में आपका कैसे चलता है, यह आपका चलता है हेड से लेके टो तक, सर से लेके पैर तक आपका विकास जाता है, और प्रॉक्सी मोड में आपका सेंट्रल से बाहर की तरफ विकास जाता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे अभी और डिस्कस करना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ पुटअप किए जाते हैं, वो भी हम सोच रहे हैं कि पूछ आप उनको फटाफट बता देते हैं साथ के साथ। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर, एक होता है आपका फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं, फाइन मोटर क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। ग्रॉस मोटर वह चीज़ होती है, सपोज करिए आपका जब विकास हो रहा होता है, आपकी बॉडी में जब विकास हो रहा होता है, आप कोई भी आपकी जो मांसपेशियां, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं किसी बड़ी मांसपेशियों के द्वारा, तो वह आपका कौन सी किसके अंदर आएगा, वह ग्रॉस मोटर के अंदर आएगा। जैसे कि आप भागते हैं, दौड़ भागते हैं, या कुछ अन्य कार्य करते हैं अपने हाथों से और पैरों के द्वारा, ठीक है, जिसमें आपकी कोई छोटी मसल्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, वह होता है आपका ग्रॉस मोटर। और फाइन मोटर वह
मोटर होता है जिसमें आप किसी भी छोटी आपकी छोटी छोटी मसल जैसे कि आपकी उंगलियों की मसल्स इनके द्वारा पकड़ के आप कार्य करते हैं, वह कार्य आपका फाइन मोटर के अंदर आता है। कैसे, आप जब पेन पकड़ के लिखते हैं तो वह फाइन मोटर के अंदर आता है। अभी आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं तो आपने छोटी छोटी मसल्स के कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही आप क्या है लिख पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को। तो जहाँ पे छोटी मसल्स का इस्तेमाल किया जाए तो वह हुआ आपका फाइन मोटर, और जहाँ पे बड़ी मसल्स का इस्तेमाल हो वह होता है आपका ग्रॉस मोटर। अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई भी व्यक्ति जैसे बॉलर है वो बॉल को फेंक रहा है तो वो क्या कर रहा है, कोई ग्रॉस मोटर लगा रहा है फाइन मोटर, तो उसमें कहीं ना कहीं जब वो दौड़ के चल रहा है तो ग्रॉस मोटर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब वो बॉल को पकड़ के ऐसे फेंक रहा है तब इनके द्वारा फेंक रहा है तो ये फाइन मोटर लग रहा है। या किसी लड़की का मेकअप किया जा रहा है तो वहाँ पे फाइन मोटर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि भाई पकड़ के कोई बारीकी जब कार्य किया जाता है वहाँ पे फाइन मोटर का इस्तेमाल होगा, और जहाँ कोई बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ आपका ग्रॉस मोटर होगा। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।